हे गाइस, लुक इन फ्रंट ऑफ मी, ये है मनीष नगर का फ्लाईओवर एंड यहाँ पे जाने वाली ट्रैफिक एंड रिटर्न वाली ट्रैफिक दोनों भी चालू हो चुकी है। एंड गाइस, हो सकता है मैं जितने भी मोटो ब्लॉग शूट करूँ उसमें से मोस्टली मोटो ब्लॉग हमारे यहीं से चालू हो गए, क्योंकि कैसा है मनीष नगर के बाहर अगर मुझे कहीं भी जाना है, जस्ट लाइक बर्डी जाना है या फिर वर्धा रोड साइड जाना है या फिर अमरावती साइड जाना है, तो यही मुझे रास्ता सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये बात है। एंड आज का है संडे, सुबह से यार बाइक चलाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। वैसे तो आज कोई काम था नहीं, घर पे दिन भर मास्क बनाए एंड दोपहर में उसे सप्लाई करने गया था, ये छोड़ के मैं बिल्कुल भी घर के बाहर निकला नहीं था। एंड फिर शाम में आया मेरे पास एक काम, एक्चुअली कल एक छोटा सा फंक्शन है तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत शॉपिंग करना है। एंड भाई इसी बहाने निकल गया मैं बाहर में। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ से लेना है मुझे राइट टर्न, नो राइट टर्न ब्लॉक करके रखा है, एक्चुअली यहाँ से राइट टर्न रखा ही नहीं है यार, क्या करें अभी, हमेशा ही ये दिक्कत तो हमें सताएगी ही सताएगी। और यहाँ से लिया हमने लेफ्ट टर्न, आगे से लूँगा मैं यू टर्न। मुझे जाना है कामठी साइड में, नॉट कामठी, मुझे जाना है काटोल साइड में। एक्चुअली यार मैं कामठी और काटोल के बीच में हमेशा कंफ्यूज होता हूँ और आई डोंट नो ये कन्फ्यूज़न कब तक चलेगा। लो भाई, तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे यू टर्न लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए था, कुछ इस तरह से यहाँ का स्ट्रक्चर मेट्रो ने डिज़ाइन करना चाहिए था। गाइस, ये है एक नया नवेला फ्लाईओवर, पिछले वीडियो में भी आपने देखा। तो बात कुछ ऐसी है, जी हाँ ये डायलॉग किसका आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, आज का है संडे और बहुत सारे संडे निकल गए हैं, हमने कोई भी राइड नहीं करी। एक्चुअली आज एक राइड करने की बहुत इच्छा थी लेकिन यार कोई भी ग्रुप में मुझे राइड के बारे में मैसेज नहीं दिख रहा था एंड पर्सनली मैं भी वो इनिशिएटिव नहीं ले पाया कि आज कोई राइड प्लान करी जाए। सो लेट्स मूव अहेड। और यार बड़ी प्यारी मर्सिडीज, यो गाइस, क्या मैं ये आपको बोल सकता हूँ, नागपुर इज अ सिटी ऑफ फ्लावर। पिछले 7 से 8 सालों में मैंने जो देखा है नागपुर में, इतने सारे फ्लावर कंस्ट्रक्ट हुए हैं जो इसके पहले कभी भी नहीं हुए थे। यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बहुत बहुत कोशिश करी जा रही है और बहुत फास्ट वो हो भी रहा है। साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, आई होप आज कुछ अच्छी ही आ रही होगी, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम हो गया था। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ, लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा हुआ कि आवाज़ वगैरह तो सब अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा था लेकिन थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ जाती है तो वो क्रैकिंग नॉइज़ रिकॉर्ड हो रहा है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। सो प्लीज़ बॉयज़ कमेंट डाउन बिलो क्या मैं उसके लिए कर सकता हूँ, अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन हो तो। लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सोल्यूशन मेरे साइड से निकाला है, पता नहीं वो कितना अच्छा है, कितना कारगर और साबित होगा। मैंने क्या किया, माइक का जो इनलेट पोर्ट है वहाँ पर लगा दिया है एक छोटा सा क्लॉथ, एक छोटा सा कपड़ा और आई थिंक वो काम कर जाए। अभी मैं हूँ नीरे के सामने वाला रोड, जिसको सेंट्रल जेल रोड भी बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इस रोड का नाम कुछ और ही है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के ज़रूर बता सकते हैं। एंड मेरा राइट में आप देख सकते हैं, नो मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हैं लोकमत भवन। एक बार जॉब इंटरव्यू के लिए आया था मैं यहाँ पर, आई थिंक 11th फ्लोर पर वहाँ पर ऑफिस था। हे गाइस, दिस इज़ RBI स्क्वायर एंड यहाँ पे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ पे मैं देख सकता हूँ दो वाइट कलर की जो प्लेट्स है उसके बीच में रेड कलर का पेंट करा गया है। एंड एग्जैक्टली इसके पीछे क्या रीज़न है मुझे पता नहीं है, क्या आप मुझे बता सकते हैं। एंड हाँ गाइस, आज मैं आपको बहुत सारे कमेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, सो ठीक है यार कभी कभी तो पूछता हूँ, कमेंट कर दो। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। ये है आज का फ्लाईओवर नंबर 3,
और गाइस इस फ्लावर पे मैंने बहुत बार अपनी बाइक राइड करी है, यहाँ से बहुत बार मैं गुजरा हूँ, लेकिन कामटी साइड का जो टर्न है ना वहाँ पे मैं कभी तक नहीं उतरा। एक्चुअली उधर के साइड में कभी काम पड़ा ही नहीं, लेकिन आज उधर के ही साइड में मुझे जाना है, तो देखते हैं उधर का एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। एंड मेरे आगे मैं देख सकता हूँ मैं एक बंदा चला रहा है सीबीजी, नो सॉरी यार सीबीजी का नाम ही इतना दिमाग में बैठा हुआ है, क्या बात है। तो ये है एक्सट्रीम 200 आई थिंक स्पोर्ट्स मॉडल, एंड यही है वो टर्न जो कि जाता है काटोल रोड के लिए, एंड वो वाले टर्न से मैं हमेशा गुजरा हूँ, एंड दिस वन इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन नागपुर। घर पे रिटर्न जाते समय मैं यही से गुजरने वाला हूँ। ये फ्लाईओवर उतरता है कलेक्टर ऑफिस काटोल रोड एंड गिट्टी खदान के लिए। आई थिंक आपने यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कपड़ों का दुकान है जिसके बारे में तो जाना ही होगा, सुना ही होगा, जो कि है थ्री ब्रदर्स। वहीं पर आज जाके मैं एक छोटी सी शॉपिंग करने वाला हूँ। यहाँ पे ये बैरक्स लगा के बहुत ही अच्छा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने हमेशा देखा है बहुत दिक्कत होती थी। भाई साहब यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री मारी ना, ये है पुलिस लाइन टाकरी, और बॉस इतना ठंडा लग रहा है ना, डायरेक्टली ऐसा लग रहा है कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे डाउन हो चुका है। अच्छा हुआ मैं एक राइडिंग जैकेट पहन के आया हूँ जिसमें लाइनर भी लगा पड़ा है, विंटर लाइनर, तो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर है वो शॉप, यहाँ से आगे से मुझे लेना पड़ेगा यू टर्न, एंड ये है HP पेट्रोल पंप के अपोजिट में। अभी अपनी शॉपिंग भी हो चुकी है कंप्लीट, चलो भैया आगे निकलते हैं अपने घर के लिए वाया हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन नागपुर। लुक इन फ्रंट ऑफ मी, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन नागपुर, जो कि जाता है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड RBI स्क्वायर के लिए। काफी एलिवेटेड है यार, काफी एलिवेटेड है, काफी हाइट है ये। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितनी हाइट है, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरे नागपुर में जितने भी फ्लाईओवर्स है ना, उसमें ये जो फ्लावर बनाया गया है, ये इसका डिज़ाइन, इसकी कनेक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो कि है RBI स्क्वायर से जो एंट्री लेते हैं वो एक चीज़ बहुत बुरी तरह से डिज़ाइन करी है, वो छोड़ के बाकी कनेक्टिविटी के मामले में एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मामले में ये रोड, यह फ्लाईओवर एक टॉप स्पॉट पूरे नागपुर में सिक्योर करता है। इस चीज़ की यार बहुत ज़रूरत थी हमारे नागपुर को, इस फ्लाईओवर की स्पेशली। जी हाँ, क्योंकि सदर से जब भी हम लोग गुजरते थे ना, ओ माय गॉड इतनी भयंकर ट्रैफिक रहती थी बॉस, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ से ट्रक्स भी चल रहे हैं, बसेस भी चल रही है, ऑटो वाले तो होते ही आतंक मचाते थे, और टू व्हीलर वालों का तो भैया बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे थी फेरी वाले, जी हाँ, जो रोड साइड वेंडर्स, दुकान वाले, फ्रूट्स बेचने वाले स्पेशली, वो लोग इतना बुरी तरह से जगह जगह पे अपनी ट्रॉलीज पार्क कर रहे थे, उसके कारण बाइक चलाते समय या फिर कार ड्राइव करते समय बहुत ही बड़ी दिक्कत हमें आती थी, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत आती थी इन ऑटो वालों की वजह से। कुछ लोग बहुत ही प्यारी चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना बुरा चलाते हैं भाई मैं क्या बताऊँ, यानी शब्द नहीं है हमारे पास उनकी बुराई करने के लिए। तो गाइस अभी ना एक वो लॉन्ग राइड वाली क्रेविंग हो रही है यार, कितने दिन हो गए मैंने कोई भी लॉन्ग राइड करी नहीं है। जी हाँ, लॉकडाउन में मैंने एक राइड करी थी पुणे वाली, बट वो रीज़न कुछ और था, बट ऐसे घूमने फिरने की बहुत ही तगड़ी वाली इच्छा हो रही है। बट यार क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, क्या ही करें यार अभी इस सिचुएशन में बाहर घूमना मुझे तो सही नहीं लग रहा है। हाँ, मैंने देखा है काफ़ी लोग घूम रहे हैं, बट कैसा है उनका प्राइमरी काम ही वही है, तो भैया काम तो नहीं छोड़ सकते, और मेरा प्राइमरी काम ये घूमना फिरना या फिर व्लॉग बनाना नहीं है, जैसे कि आप सभी को पता है। बट ये क्योंकि मेरी हॉबी है, तो मैं अपना ऐसे ही कुछ अच्छे खासे वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा सी क्वालिटी इम्प्रूव करने का सोचा मैंने, एंड उसके बाद में लिया है ये GoPro Hero 5। आई होप कि ये
कैमरा रात के टाइम में भी काफ़ी जस्टिस करता होगा एंड एक अच्छा खासा फुटेज आपके लिए ये रिकॉर्ड करता होगा। जी हाँ, करता होगा, क्या करता ही है, मुझे पता है ये काफ़ी अच्छा फुटेज रिकॉर्ड करता है। एंड विद दैट्स इट गाइस, अभी टाइम आ गया कि आज का ये मोटू व्लॉग यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। और देखो भैया, मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा है, जब मैंने क्रॉस किया तब वो वहाँ पे येलो लाइट। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा प्यारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और सीख रहा हूँ मैं और धीरे धीरे, ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोटो ब्लॉग या फिर लंबे लंबे मोटो ब्लॉग लेके आओ। आई नो आज का वीडियो काफ़ी लंबा और काफ़ी, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, यहाँ से कुछ सीख लेंगे। तो गुड बाय।